चैनल। सो गाइस गुड आफ्टरनून। देखिए गाइस मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, उतना तबीयत ख़राब है। देख सकते हैं मेरा फेस, देख के देख ही सकते हैं कि कितना डाउन हो चुका है मेरा फेस। तो दीदी तुमको क्या कहना है मेरे तबीयत के बारे में? हाँ गाइस, उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, बेचारी बहुत बीमार है। कितना दिन से है? आप लोग दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। ये भाई एक हफ्ता से लोग बीमार है और इतना बीमार है कि देखिए इसका चेहरा एकदम डाउन हो गया है। लोग देश हट्टी कट्टी लड़की थी, एकदम पत्ते दुबली हो गई है। इधर देख के बोलो, पेपर बाद में पढ़ना, टाइम नहीं है ज़्यादा। तुम्हें पता है गांव गई हुई थी, पता है आम प्रेमी थी ना मैं, इसलिए आम लाने के लिए गई थी। कहावत है जितना का बहुत उतना का जो लौटी, वही कहावत हो गया। क्या वो क्या कहावत हो गया, फिर से बोलो। था जितना का बउआ ना उतना का झुंझुना, मतलब बच्चे से ज़्यादा कॉस्टली झुंझुना पड़ गया। तो तुम 5-10 किलो आम लाने गई, उसमें बीमार हो गया, कितना से बीमार। तो इसीलिए गाइस मैं आपको डेली व्लॉग भी नहीं बना पा रही, पता है 3-4 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इतना तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा। मैं सारे दिन सोई रहती, रात भर सोई रहती, पेट में पूरा पड़ी रहती, भूख भी नहीं लगता है। पता है मुझे, तो आपको तो मैं बताई हूँ कि मुझे कितना भूख लगता है, पहले मैं खाती हूँ तभी मैं काम करती हूँ। आजकल तो पता नहीं भूख मेरा कहाँ चला गया, भूख मेरा लग रहा है कि गुम हो गया मेरा भूख। इसको ढूंढ के ला दो ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं भूख को ढूंढ के ला दो प्लीज। मेरा भूख कहाँ चला गया, मैं कितना खाती थी, कितना हंसती थी, कितना खेलती थी, सब खत्म हो गया मेरा। कोई बात नहीं गाइस, जल्द आ जाएगा अपने। देख सकते हैं मैं कॉल पूरा से टूट गया, बउआ लग रहे अभी दो महीना को। देखिए पूरा ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया है करके। मैं गांव से पटना आई हूँ अपने रूम पे, और थैंक गॉड की बस पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन घर आते फिर से तबीयत ख़राब। पता नहीं ये तबीयत मैं जान लीजिए के रहेगा, कब मेरा आपके साथ लास्ट ब्लॉगिंग होगा वो मैं कह नहीं सकती हूँ। आशा करो कि मनाओ कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ, कभी लास्ट ब्लॉग ना हो, नहीं तो पता चला कि क्या मैं बोलूँ। चलो तो दीदी तुमको क्या कुछ तकलीफ हो रहा है मेरे तबीयत के बारे में? बहुत ज़्यादा। कितना हंसती खेलती थी मैं घर में, घर में रौनक खत्म हो गया, कोई नहीं। ये तुम बोलती थी चुप हो जाओ, थोड़ा सा तो चुप रहो, घर में आते के साथ बक 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 बोलती थी, अब ठीक लग रहा है ना? तबीयत खराब रहता है तो ठीक नहीं लगता है, वैसे साथ रहती तो ज़्यादा चल रहा है। मैं आई थी ना, मतलब आज सुबह मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, दीदी चली गई थी पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत कर रही थी। तो मतलब कि जिससे मैं मतलब कि एक भैया है तो वो बोल रहे थे ना कि घर में आवाज़ नहीं आ रहा, घर से क्या बात है, थोड़ा शांत शांत लग रहा है। तो हम बोले ना कि मेरा तबीयत खराब इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए गाइस सबको आदत हो गई है मेरी
आवाज सुनने का वो मतलब होता है ना, क्या क्या कहते उसको, वो क्या कहते हैं? बोलो ना जल्दी। अब देखो मेरा तबीयत खराब है, आई बोल रही है थोड़ा बाहर मूड भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। घूमने जाने के लिए। देखेंगे, आज तो मेरा क्लास है। नहीं, क्लास नहीं है, आज संडे है ना। देखिएगा, हाँ ठीक है चलेंगे, पापा को आने देना तब चलेंगे ना। आज देखेंगे मरीन ड्राइव चलेंगे दीदी। मरीन ड्राइव नहीं जाओ, वो तो एना समुद्र है, थोड़ा पानी आ गया। NIT भी चलेंगे, मरीन ड्राइव भी चलेंगे, बगल ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलेंगे। थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लग जाएगा, थोड़ा सा मूड शायद उससे ठीक हो जाए, ठंडा ठंडा हवा आके गंगा मैया ठीक कर दे हमको। आप सब भी दुआ करना मेरे लिए। तो गाइस ये दवा खाना है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए ये दवा ला दी है पापा, तो खा रहे हैं ये दवा। तो चलिए गाइस ये दवा खाते हैं। तो गाइस अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है लेकिन ठीक उतना नहीं लग रहा है, तो ठीक है गाइस, ज़्यादा अभी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरा। और ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू। आई ब्लॉग इस और इस ब्लॉग को आप जितना से जितना आप सब प्यार करो उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाय बाय।